मैं भी हिंदी में आरक्षण पे बोल रहा हूँ। मैं कहा नहीं बोला, एक बात समझो, यहाँ जो महाराष्ट्र सरकार हिंदुत्ववादी सरकार होने के बाद में मुसलमानों को न्याय और इंसाफ देने में कहीं भी शिंदे सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, देवेंद्र जी, अजीत दादा कहीं कम नहीं है। मैंने तो आपको इतना बताया कि निजाम सरकार जब थी, जब कितना बजट आता था ये संभाजीनगर औरंगाबाद को, ये महाराष्ट्र को, वो भी चेक करो, और आप कितना मिलता है ये चेक करो। अगर हम उसमें कम पड़े होंगे, हमारा हिंदुत्ववादी सरकार कम पड़ा होगा, तो मैं कोई भी गुनाह, कोई भी गलती स्वीकारने को तैयार है। लेकिन उन्होंने अच्छा काम करे, उनका ये अभी रहा काम हमारा रिजर्वेशन का, तो जरंगे पाटिल साहब ने डिमांड की, मैंने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया, अभिनंदन किया, और उनके संगात उनके समाज को भी न्याय मिलना, ओबीसी को भी मिलना, लेकिन उन समाज के संगात मुसलमान भी है। मैं ये बता रहा हूँ कि कई जगहों पे उनकी माली हालत, उनकी आर्थिक परिस्थिति, उनका एजुकेशनल, उनकी नौकरियाँ बहुत गंभीर है। मैं कोई वो समाज का है, वो कौम का है, वो जात का है बोल के नहीं बोल रहा, लेकिन सच्चाई तो ये भी है। आप भी जाके देखो बस्तियों में कितनी परेशानी है, आप भी जाके देखो उनकी पढ़ाई में कितनी दुश्वारियाँ हैं। तो ये सब चीज़ उनको हमको इस पे लाइन पे लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि जो बच्चे एजुकेशन नहीं करते उनको आज एजुकेशन मिलना, अभी जो स्पर्धा परीक्षा में जाना है तो तुमको उतना टैलेंट ब्रिलियंट होके आना पड़ेगा, उसके लिए हम एक बच्चे पे 40 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, वो 40 लाख महाराष्ट्र सरकार खर्चा करेगा, बच्चा उधर से टॉपर बन के आएगा और अच्छा धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, नौकरी। नहीं नहीं, ये तो सुन लो पहले पूरा, ये दो बीच में लाते, फिर ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। तो ये मेरी बात सुनो, ये पहली बार सरकार ने ये फैसला किया, मुस्लिम एजुकेशन के अंदर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अच्छे टॉप के स्कूलों में, कॉलेज में उनको एडमिशन मिलना चाहिए। उसके तरफ से महाराष्ट्र सरकार, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द एक ऐसा जीआर निकालेगा कि वहाँ उनको पढ़ाई की ये जो मुख्य प्रवाह में उसमें उनको लाना पड़ेगा, और वो लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। रहा सवाल मार्टी का, तो मैंने बोला कि मार्टी का कैबिनेट में यहाँ से जब गया आयुक्तालय का उद्घाटन करके, वहाँ जाया, हमारी मैडम से बनाया, अब हमारे पास सेक्रेटरी के पास बैठ के दोनों डीसीएम और सीएम साहब की सही होगी और कैबिनेट में आएगा, उसकी भी कॉपी दे दूंगा। हर कैबिनेट में हम कुछ ना कुछ माइनॉरिटी के लिए करते हैं, और माइनॉरिटी एक मुसलमान ही नहीं है, माइनॉरिटी के अंदर जू है, जैन है, पंजाबी है, बौद्ध है, ऐसे 7 अलग अलग जू जात से लेके तो मुसलमान तक। ये आयुक्तालय का मतलब अभी भी समझा नहीं, तुम पत्रकार होके तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा। सुनो, जनता का ही काम सुनो, यहाँ जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का वक्फ बोर्ड का कंट्रोल वहां रहेगा, उनका वरिष्ठ बोल के, वहां जो है आज मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उनका कंट्रोल वहां रहेगा, आज जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का पैसा खर्च होता है, हुआ क्या नहीं हुआ, उसका कंट्रोल वहां रहेगा। उसके बाद हमारे जो छोटे छोटे यूनिट चलते हैं, वो मदरसा, हमारा एक मदरसा बोर्ड को भी हम 2 लाख के बजाय अभी 10 लाख रुपए कर दिए, 10 लाख उनको देंगे तो वो सही गया कि नहीं गया, वो जिस चीज के लिए दिया गया उसका कंट्रोल है कि नहीं है। और आयुक्तालय यहाँ नहीं है, ये आयुक्तालय का नीचे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिस रहेगा, वो उससे कनेक्ट रहेगा। 86 पद मैंने मंजूर किया, 86, तो 86 पद उनके रहेंगे और वो यहाँ के आसानी से काम करेंगे, ताकि वक्फ बोर्ड के अंदर कभी अगर एक आधा मस्जिद का इनाम है, एक आधा दरगाह का इनाम है, एक आधा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कोई अलग से विल्लेवाट लगा रहा, उसको वहां लेना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने और एक ऑर्डर काढ़ा है, मैं तो देवेंद्र जी 2016 का जीआर बताया, मैं नया कुछ नहीं बताया, 2016 में देवेंद्र जी ने एक जीआर काढ़े थे कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति के नाम पे, खासदार, आमदार, मंत्री, उद्योगपति या लीडर या पुढ़ारी, कोई भी जात का होगा, उसका उसको राउंड मारना और वहां वक्फ बोर्ड का नाम लिखना। मैं सबकी बात कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा। आरक्षण के ऊपर अन करीब कुछ 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर आपको सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अधिवेशन में कोई भी घोषणा कर सकते, कभी भी कर सकते, लेकिन इसका जो मेन मकसद ये रहता है कि अधिवेशन के टाइम पे बाहर कोई घोषणा नहीं होती, और मुख्यमंत्री जी इसका घोषणा उनके जो स्पीच रहेगा हमारा आखिरी का, उस स्पीच के अंदर आप सुनो, बहुत और भी घोषणाएं होने वाली है। ये मुख्यमंत्री महोदय का कर्तव्य दक्ष है, कर्तव्य का पार
जो भी आखिरी तक गरीब से गरीब आदमी है उसको न्याय और इंसाफ देने का काम करें। लाओ चाय, चाय लाओ ना, अरे जान दो ना, अरे बहुत अरे होगा ना भाई, आप बाद में भी रखो ना कुछ, चलो उधर चलो, अब चाय पी।